तो दोस्तों MMTC लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा मिक्स है इस क्वार्टर के, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 545 करोड़ के आसपास के कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल की बात करें तो 2320 करोड़ था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 763 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45% के आसपास की तेजी है, वहीं अगर साल दर साल जाए तो साल दर साल एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, एक्सपेंस में क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में 592 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2394 करोड़, जबकि अभी देखें तो 791 करोड़ के आसपास कंपनी ने खर्चे किए हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप दो तरीका है प्रॉफिट निकालने का, पहला तो ये है कि अगर आप टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो कुछ और ही है, क्योंकि टैक्स से पहले का प्रॉफिट देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 23 करोड़ का लॉस हुआ था, पिछले साल 72 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी के पास 3 करोड़ का लॉस है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो आपको नंबर्स अच्छे लगेंगे, क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों में कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिला है। लेकिन जब आप टैक्स के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं जो कि नेट प्रॉफिट होता है, तो उसके अंदर बड़ी गिरावट है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 1576 करोड़ था, पिछले साल 73 करोड़ का लॉस था, जबकि अभी देखें तो 97 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत भारी गिरावट है, लेकिन वही बात हो गई कि साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी। चलिए कंपनी के EPS देख लेते हैं, EPS क्या है, 10 रुपये 50 पैसे के आसपास पिछले क्वार्टर में था, पिछले साल माइनस में 0.49 की, जबकि अभी देखें तो 0.4565 के आसपास है प्लस में। तो ओवरऑल अगर आप मुझे पूछेंगे नंबर कैसे हैं, तो नंबर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि क्वार्टर क्वार्टर जो रिवेन्यू बढ़ा है लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आया है। तो मेरे हिसाब से नंबर मिक्स टाइप के है, पता नहीं क्या होगा, मार्केट खुलने के बाद ही पता चलेगा कि ऐसे कैसे रिएक्शन होगा इसका, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा मिक्स है इस क्वार्टर में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।